अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? आज मैं आपको बताऊंगी आमले से बीमारियों का देसी और फौरी इलाज। आमला बेपना खुसियात का हामिल है। ये एक मशहूर फल है। इसमें विटामिन सी का खजाना छुपा होता है। कहते हैं कि एक दर्जन माल्टों में जितना विटामिन सी होता है वो सिर्फ एक लीमू में पाया जाता है, जबकि एक बड़े आमले में 12 लीमू जितना विटामिन सी होता है। एक आमले में विटामिन सी की मिकदार 7000 से लेकर 10000 मिलीग्राम तक होती है। इसमें टैंक एसिड और कैल्शियम भी पाया जाता है। ये जिल्द जिसो वजन बनता है और बैक्टीरिया को तल्फ करता है। ये हमल और अमराजी कलब के लिए बहुत मुफीद है। हमल के दौरान कुछ खवातीन की दिल की धड़कन बढ़ जाती है, इन्हें कमजोरी महसूस होने लगती है, कामकाज में दिल नहीं लगता। ऐसी खवातीन के लिए आमले का मुरब्बा तजवीज किया जाता है। हमल के इब्तदाई आयाम में चंद माह रोजाना तो दिल की धड़कन एतदाल पर आ जाती है। अमराजी कलम में भी इसे कामयाबी से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके इस्तेमाल से कुव्वत मुदाफ़त भी बढ़ जाती है। आंखों के अमराज के लिए भी आमला बहुत मुफीद है। अगर आंखों में लाली हो, जलन और खुजली हो और नज़र कमज़ोर हो तो आमले को मोटा कूट लें। इस सफूफ का एक चम्मच रात के वक़्त 1.5 गिलास पानी में भिगो दें और सुबह मलमल के कपड़े से छानकर इस पानी से आंखें धोएं। इसके अलावा ताज़ा आमले का रस निकालकर रुई में लगाकर इसका काजल भी बनाया जाता है, जो आंखों के लिए बहुत मुफीद है। आमला दांतों की तकलीफ और जख्म को खत्म करता है। आमले के सफूफ में थोड़ा सा नमक मलाकर दांतों पर मुंजमन की तरह मलिए। इससे दांतों का मैल साफ होगा, दांत मजबूत होंगे और मसूड़ों से खून आना भी बंद हो जाएगा। आमला सर चकराने के मर्ज में भी नहायत मुफीद है। अगर अक्सर सर चकराता और आंखों के गिर्द अंधेरा छा जाता हो तो 10 ग्राम आमला और 10 ग्राम खुश्क धनिया लें और इसे रात के वक्त पानी में भिगो दें। सुबह इसे छान कर पी लें। इसे खुश जायका बनाने के लिए इसमें थोड़ी सी चीनी भी मिलाई जा सकती है। चंद दिनों में चक्कर की शिकायत दूर हो जाएगी। नाज़रीन, अगर आप इन तमाम बीमारियों से बचना चाहते हैं और ख़ुद को तंदुरुस्त रखना चाहते हैं तो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आमले का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। नाज़रीन, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो पहले आप तक पहुँच सके। बंटी टीवी के साथ मैं हूँ कुलसुमती, फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़।